यही कोशिश थी, इसी कोशिश में हमारे सेना के जवान जुटे हुए थे। और फिलहाल कामरान के भी मारे जाने की खबर है, जैश का आतंकी है ये। रात 12 बजे से चल रही थी मुठभेड़, कहा ये जा रहा था कि कामरान घेरे में आ चुका है। कार्रवाई में सेना के मेजर समेत 4 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। पिंगलीना में सुरक्षा बलों ने इमारत उड़ा दी है। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड गासिर राशिद के मारे जाने की भी खबर है, और ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि देश के गुस्से को इस वक्त ठंडक मिलने वाली है, क्योंकि लोग जल रहे हैं इस आग में कि आखिर 40 जवानों के शहादत का बदला किस तरीके से लिया जाए। हालांकि अब 40 नहीं रह गए हैं, बल्कि 5 दिन में 45 हो चुके हैं। तो कार्रवाई में सेना के मेजर समेत 4 जवान शहीद, लेकिन इस बीच राहत भरी खबर यह है कि जैश के 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। और पहले से ही ये कहा जा रहा था, सुरक्षा एजेंसियां जो है, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, तमाम तरीके से अलर्ट किया जा रहा था कि आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं जम्मू कश्मीर में। और यही वजह है कि कल से लेकर आज तक की सूरत ऐसी है, बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रात 12 बजे से चल रही थी मुठभेड़, और फिलहाल राहत भरी खबर की कामरान और गाजी राशिद वो है जो कि कहने को अफगानी है, लेकिन जैश ए मोहम्मद का मास्टरमाइंड है, और फिलहाल उसके मारे जाने की खबर हर एक भारतीय को सुकून देने वाली है, क्योंकि हर एक दिल में आग है, लोग धधक रहे हैं, उनके सीने में आग जल रही है। लेकिन फिलहाल ठंडक पहुंचेगी इस राहत भरी खबर को सुनकर, जब 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर इस वक्त मिल रही है। रात 12 बजे से ही चल रही थी मुठभेड़, कार्रवाई में सेना के मेजर समेत 4 जवान शहीद, लेकिन इस बीच 2 के मारे जाने की खबर, जैश के 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं। तो हमारी कोशिश, हमारी जिम्मेदारी यही है कि पानी पिला दें हम पाकिस्तानियों को, और यही हमारी कोशिश भी चल रही है। सेना अलर्ट मोड में, लगातार आतंकियों को खत्म करने के लिए, उनके खात्मे के लिए कोशिश, और यही वजह है कि कल रात से लेकर अभी तक मुठभेड़ जारी है। विश्वंभर निर्वाण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विश्वंभर जी, ये कितनी बड़ी राहत की खबर, 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है हमारे जवानों ने। ये बहुत अच्छी खबर है, लेकिन दुखद ये है कि उन 2 के बदले हमारे 5 मारे गए, ये बहुत दुखद की बात है। और मेरे को पक्का पता है कि आर्मी को अभी पूरी वो छूट दे दी गई है, आतंकवाद का सफाया जल्दी आर्मी करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे जवान है वो बहुत स्ट्रांग है, और हम ये अपने जवानों की मुठभेड़ में जो होती है उसको हम सहन करने की शक्ति है, और उन्होंने अच्छा काम किया है, बड़ी अच्छी खुशखबरी है। बिल्कुल सर, राहत तो इस बात से भी है कि गाजी राशिद, जिसको मास्टरमाइंड माना जा रहा था, इस घटना के बाद से ये कहा जा रहा था कि 25 किलोमीटर के दायरे में ही है, क्या उसके मारे जाने के बाद जो आतंकी या जो आतंकी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं उनमें खौफ का माहौल बनेगा, और फिर इस तरीके से कम कोई खबर नहीं मिलने वाली है जहां हमारे जवान शहीद हो जाए? नहीं, खौफ की खबर तो मिले, खौफ तो पैदा होगा इन आतंकवादियों में, खौफ तो ऑलरेडी पैदा हो गया है। जैसे पूरा देश एकजुट हुआ है और देश की एकजुटता के जो समाचार मिल रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट हुए हैं, माननीय प्रधानमंत्री के जो संदेश हैं, गृह मंत्री के जो संदेश हैं, इन संदेशों से पूरा पाकिस्तान थर्राया है, और ये आतंकवाद तो बिल्कुल इनका मोरल बहुत डाउन है, और ये आइडियल समय है जब इनका मोरल डाउन है। आर्मी को अपनी स्पीड अप करनी चाहिए ऑपरेशन, और जितनी गति से तेजी से इनको पकड़ा जाए और इनका सफाया किया जाए उतना अच्छा हो। अच्छा, आप इन सारी गतिविधियों पे बकायदा नजर रखे हुए हैं, आपको ये सारी चीजें देखकर क्या लग रहा है कि अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं? क्योंकि 2 आतंकी जिनको लेकर कल से खबरें चल रही थी कि गाजी राशिद, जो कि कहने को अफगानी है लेकिन मास्टरमाइंड है जैश ए मोहम्मद का, अब वो मारा जा चुका है, कामरान मारा जा चुका है, तो क्या और भी आतंकी गतिविधियां यहां देखने को मिल सकती है इस इलाके में, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है? ऑपरेशन जारी रहेंगे, और आतंकी एक नहीं, कई आतंकी छुपे हुए हैं। ये एक दिन में, एक दो दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगेगा इनको सफाया करने, यानी ये प्रोसेस को कंटिन्यू चलना होगा। बिल्कुल, फॉलो अप एक्शन कंटिन्यू रहेगा, सरकार ने जैसे छूट दी है आर्मी के हवाले, और आर्मी को अपना ऑपरेशन करना चाहिए, और जो करते हैं कुछ ही दिनों में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
अच्छा, इस बीच कल से लेकर आज तक की जो सूरत बनी है, 5 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था वापस ले ली गई है। इस बीच हम आपसे समझना ये चाहेंगे कि क्या ये सब अलगाववादी नेताओं का सपोर्ट भी अगर बंद हो जाए, जो कश्मीरी युवक, जो बहके हुए युवक हैं, सारे युवक की मैं बात नहीं कर रही हूँ, जो बहके हुए हैं, जो आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, तो क्या उनमें भी खौफ का इस वक्त माहौल बनेगा और कम से कम इस वक्त में कोई भी आतंकवादियों को पनाह देने के बारे में सोचेगा भी नहीं, कल्पना भी नहीं करेगा? आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो, चाहे ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, जो आतंकवाद को सपोर्ट करता है और इस देश की मातृभूमि पर रहता है, उसको ये अधिकार नहीं है कि आतंकवाद को सपोर्ट करे, उनके अगेंस्ट जो है सरकार कदम उठाए, लीगल एक्शन ले। और जो हुरियात के लिए किया है वो सरकार ने बहुत सही किया है और मैं उसकी सराहना करता हूँ। सर, देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी छिटपुट घटनाओं की खबर हमें मिल रही है, हमारे पास पहुंच रही है। अगर आप टेलीविजन कंटिन्यू देख रहे हैं तो आप तक भी ये खबरें पहुंची होगी कि जयपुर में भी कुछ कश्मीरी छात्राएं ऐसी हैं जिन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस लगाया, आतंकवादियों की तस्वीर लगाई, तो क्या इस बात में सच्चाई हो सकती है या ये अलग किस्म का प्रोपेगेंडा भी सेट हो रहा है? क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक होने के वजह से हमें सारे पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। आपने बिल्कुल सही किया, हमने बहुत डिस्क्रीट एक्शन लेने हैं। निम्स में भी जैसे एक केस हुआ था जो FIR दर्ज कराई है, मतलब जैसे भी ये ऐसी खबरें आती हैं, हमारे को एकदम रिएक्शन नहीं करना चाहिए और लीगल तौर से जो है अपने क्षेत्र में, स्पेशली JNK की नहीं बात कर रहा हूँ, JNK के अलग हिस्से में जहाँ ये JNK के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, यदि ये कार्रवाई करते हैं उनमें देशभक्ति नहीं है तो जरूर FIR करके और लीगल एक्शन दिया जाए। यदि वो देशभक्त हैं तो उनको छेड़ा नहीं जाए। बिल्कुल सर, तो एक 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 अभियान ऐसा भी चल रहा है, हैशटैग ट्विटर पे भी बहुत हैशटैग के साथ इसको कहा जा रहा है, बोला जा रहा है कि कश्मीर हमारा है, कश्मीरी हमारे हैं, लेकिन गद्दारों की पहचान जरूर करना होगा, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में छिपे हुए हों, चाहे वो कश्मीरी हो या फिर कोई और आदमी हो। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा, देश में गद्दार नहीं होने चाहिए, चाहे वो देश के किसी भी हिस्से में हो, और उनके ऊपर पकड़ो और लीगल एक्शन लो। अपनी जुडिशरी इतनी अच्छी है, स्पेशल कोर्ट सेटअप करो ऐसे आदमियों को और उनको पनिशमेंट दो जो भी लीगली है उनको, और देखना ये लीगल आप कार्रवाई करेंगे और कोर्ट जो है डिसीजन जल्दी लेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन जल्दी होगा, उसको प्रोलोंग नहीं करेंगे तो ये दुविधाएं जो है वो दूर होंगी। सर, आपने बहुत सारे ऐसे माहौल देखे हैं जब देश ऐसे नाजुक मोड़ से गुजरता होगा, जब शहादत से हम सब बौखला जाते हैं, धैर्य की सीमाएं टूट जाती है, ऐसे वक्त में आप नागरिकों को क्या सलाह देंगे, किस तरीके से धैर्य से मतलब रहें ताकि हमारे सेना पर इनका यकीन रहे, हमारे सेना पर ये भरोसा कर सके और नाजुक वक्त में सब सपोर्ट के लिए खड़े हों? क्योंकि कई जगहों से ऐसी तस्वीरें मिल रही हैं, ऐसी खबरें हम तक पहुंच रही है जहां लोग भावनाओं में बहक जा रहे हैं और एक दूसरे को ही नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, इस मेरे को कोई शक नहीं है कि देश जो है पूरा सैनिकों की जो भी हरकत है उससे जुड़े हुए हैं और सैनिक कोई भी गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल, ये देश को पता है, देश के हर नागरिक को पता है कि एक सैनिक कोई गलत काम नहीं करेगा, वो देश सेवा में ही अपना जीवन जो है वो न्योछावर करेगा और उसका और कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए देश तो सैनिकों के साथ में जुड़ा हुआ है। ये गुमराह करने वाले अलग आदमी है, गुमराह करने वाले वो आदमी है जो कि गद्दार है, उन गद्दारों को पकड़ना पड़ेगा, उनकी तरह नजर रखनी पड़ेगी। ये गद्दार कौन हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, मैं अब बयान नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तो हाँ, तो इन गद्दारों का थोड़ा सा देखना, पुलिस को अलर्ट रहना पड़ेगा। सर, अगर हम राजस्थान पे फोकस करते हुए बातचीत करें तो राजस्थान के कई से इलाके हैं, कई ऐसे हिस्से हैं जो पाकिस्तान से उनका बॉर्डर जुड़ा हुआ है, बाड़मेर जैसे इलाकों की हम बात कर लें, तो ऐसे इलाकों में बहुत सेंसिटिव माहौल हो चुका है क्योंकि दोनों देशों के बीच बहुत तल्खियाँ बढ़ चुकी है, तो ऐसे सेंसिटिव माहौल में किसको क्या करना होगा, जरा यहाँ पे ये भी गाइड कीजिए आप। नहीं, ऐसे देखो आर्मी जो है वो बहुत सेंसिबल है, कोई गलत स्टेप नहीं करेंगे, BSF भी डिप्लॉयड है, वो भी बहुत सेंसिबल है, और सिर्फ ये करना है कि थोड़ा सा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो इन्वॉल्व है, CRPF पुलिस, उनको डिस्क्रीटली बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा और पब्लिक को थोड़ा सा गुमराह नहीं किया जाए, पब्लिक जो है इस तरह से नॉर्मल साथ में रहे, तो अपना कार्रवाई करती रहे, मतलब कोई उग्रवाद वाली जो है वो चीज न करे।
और डिसिप्लिन मेंटेन करते रहे और आर्मी को और पैरामिलिट्री फोर्सेस को अपना काम करने दें। सर हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। और इस बीच भगवान सिंह जो कि रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। भगवान जी सबसे पहले सर आप ये बताइए कि ये कितनी बड़ी राहत की खबर है, दो आतंकवादी ढेर किए जा चुके हैं ऐसी खबरें हम तक पहुंच रही है, हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन राहत कितनी बड़ी? देखिए ये बहुत बड़ी राहत है और मैं आपको एश्योर करता हूँ सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से मुझे पक्का यकीन है कि यदि ये पुष्टि भी नहीं होती है तो भी ये देखिए बहुत ही तुरंत वो जो इसमें इन्वॉल्व थे उनको छोड़ेंगे नहीं, वो डेफिनेटली उनको खत्म करेंगे। और ये कुछ दिन या हफ्ते की बात है, यदि ये दो हो भी गए तो बाकी जितने भी इन्वॉल्व, क्योंकि दो ही नहीं है, काफी इन्वॉल्व है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये छोटा मोटा हादसा नहीं है, बहुत बड़ा है। तो कई इसके अंदर कॉन्स्पिरेटर्स है और कुछ उसके अंदर परपिट्रेटर्स है, तो ये सारे हैं वो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठान ली कि इनको खत्म ही करना है तो वो बच कैसे सकेंगे। चलिए सर आगे भी आपका रुख करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, फिलहाल हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। भगवान सहाय रिटायर्ड ब्रिगेडियर ये हमारे साथ जुड़े हुए थे और जाहिर सी बात है जिन लोगों का सेना से ताल्लुक रहा है, जो खुद सेना में रहे हैं, वो इस वक्त बहुत राहत की सांसें ले रहे हैं।